दोस्तों भारत में कन्या पूजन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भारत के एक पड़ोसी मुल्क में जीवित कन्या को देवी बनाकर पूजने का रिवाज है, जिन्हें कुमारी देवी भी कहा जाता है, जिन्हें साक्षात काली का स्वरूप मानकर उन्हें पूजा जाता है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर कन्या को भगवान की तरह मंदिर में रखकर उनकी पूजा की जाती है? जी हाँ, इस देश का नाम नेपाल है। ये एक राष्ट्रीय दर्जा होता है। यह परंपरा करीब 3 सदी पुरानी बताई जाती है। बहुत पहले से यहाँ 11 कुमारी देवियाँ हैं। जैसे कि एक कन्या से देवी की उपाधि वापस ले ली जाती है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कुमारी देवी का चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन होती है कुमारी देवी और कैसे होता है उनका चयन। नेपाल की कुमारी देवी का चयन के लिए जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि कुमारी देवी में 32 गुणों का होना अनिवार्य होता है। कुंडली के अलावा इनके अंदर कुछ ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो उन्हें कुमारी देवी बनने में मदद करते हैं, जैसे उनके सामने भैंस के कटे सिर को रखा जाता है। इसके अलावा राक्षस का मुकोटा पहन के पुरुषों को उनके आसपास डांस कराया जाता है। अगर जो भी बच्ची बिना किसी डर के इन परिस्थितियों को पार कर लेती है तो उसे माँ काली का अवतार मानकर कुमारी देवी बनाया जाता है। नेपाल के लोगों की जीवित देवी या फिर कुमारी देवी शाक्य या वज्रचार्य जाति से संबंध रखती है। इन्हें नेपाल के नेवारी समुदाय द्वारा पहचाना जाता है। नेपाल में करीब 11 कुमारी देवियां होती हैं, जिनमें से रॉयल गॉडेस या कुमारी देवी को सबसे प्रमुख माना जाता है। शाक्य और वज्राचार्य जाति की बच्चियों को 3 साल का होते ही उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है और उसके बाद 32 स्टेजेस पर उनकी परीक्षाएं होती हैं, जिसके बाद चयनित कन्या को कुमारी नाम दे दिया जाता है। इन सभी बच्चियों को अविनाशी, मतलब जिसका अंत ना हो, विनाश ना हो, यह कहा जाता है। ये कन्या उम्र भर के लिए रॉयल गॉडेस या फिर कुमारी देवी बनकर नहीं रह सकती हैं। इसकी भी एक अवधि होती है, जब तक ये यौवन की दहलीज में पांव न रख ले, मतलब जब तक इन्हें मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स नहीं चालू हो जाते, तब तक ये कुमारी देवी की पदवी पर रहती हैं और उसके बाद कोई और कुमारी देवी बनाई जाती है। जब नेपाल में अप्रैल 2015 में भूकंप आया था तो बहुत ज़्यादा तीव्रता से आए इस भूकंप ने नेपाल की पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया था। हजारों की संख्या में लोग इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए थे, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मौजूद लोगों पर आंच तक नहीं आई, और वह स्थान था जीवित देवी नाम के प्रख्यात नेपाल की कुमारी देवी का मंदिर। नेपाल के लोगों का मानना है कि ये जीवित देवियां आपदा में उनकी रक्षा करती हैं। इस मान्यता की शुरुआत 17वीं शताब्दी के शुरुआत में हो गई थी। तब से लेके और अब तक नेपाल निवासी छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उन्हें मंदिरों में रखकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें समाज और परिवारों से अलग रहना पड़ता है। कुमारी देवी बनने के बाद उन्हें कुमारी घर में रखा जाता है, जहां रहकर वो अपने ज्यादातर समय में पढ़ाई और धार्मिक कार्यों में अपना समय बिताती हैं। वह केवल त्योहारों के समय पर ही घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। कुमारी देवी की पदवी उनसे तब छीन ली जाती है जब उन्हें या तो मासिक धर्म शुरू हो जाए, या फिर किसी और कारण से उनके शरीर से खून बहने लगे, या फिर मामूली सी खरोची क्यों ना पड़ जाए, उनका खून अगर बहने लगता है तो उनसे ये उपाधि छीन ली जाती है। कुमारी देवी की पदवी से हटने के बाद उन्हें आजीवन पेंशन तो मिलती है, लेकिन नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जो भी पुरुष उस पूर्व कुमारी देवी से विवाह करता है उसकी मृत्यु कम उम्र में हो जाती है, इसलिए कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं होता। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि कहने को तो ये एक धार्मिक परंपरा है, किसी को भी नेपाल की इस परंपरा पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये परंपरा आज के वक्त में किसी भी समाज या फिर किसी भी देश में होनी चाहिए? एक 3 साल की बच्ची जिसके खेलने कूदने के दिन होते हैं, उसे समाज की रूढ़िवादिता में धकेल दिया जाता है, और इस बच्ची को तब तक इसे सब ये सब कुछ झेलना पड़ता है जब तक उसके पीरियड्स यानी कि उसकी महामारी नहीं शुरू हो जाती। आगे का जीवन इसलिए बद से बदतर हो जाता है क्योंकि उससे कोई भी यह कहकर शादी नहीं करता है, शादी करने वाला पुरुष जल्दी मर जाएगा। आपको इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।